हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024, जिसमें आपने एग्जाम 21 जनवरी को दिया और एग्जाम देने के बाद में सब खुश थे, अपना आंसर की चेक कर रहे थे और सब यूट्यूबर बता रहे थे कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये है, सब लोग मिला रहे थे। इसी बीच एक खबर आती है कि आपका पेपर जो है लीक हो गया है और उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर जो है प्रसारित की जा रही हैं। पहला पेपर की पहले सूचना आती है कि फर्स्ट पेपर, क्योंकि इसमें दो पेपर होते हैं, एक तो प्राथमिक का होता है, एक जूनियर का होता है। तो पहले प्राथमिक की सूचना मिलती है कि प्राथमिक का पेपर लीक हुआ है, फिर कुछ देर बाद ही सेकंड जो पेपर होता है जूनियर का, जूनियर की भी सूचना मिलती है कि जूनियर का पेपर भी लीक हुआ है। तो क्या ये एकदम रियल है? तो बिंदुओं पर बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। दोस्तों, यदि पेपर लीक हुआ भी है तो क्या सभी का पेपर जो है कैंसिल कर दिया जाए, दोबारा कोई डेट दी जाए, या फिर इस पेपर को कैंसिल ना किया जाए? और मैं उन टीचरों से भी कहना चाहता हूं जो ऐसे टीचर बनेंगे, कल को भारत का भविष्य आप क्या निर्धारण करेंगे? क्योंकि आप जो है टीचर पढ़ाने के लिए जब स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे कि हम फर्जीवाड़े से लगे थे? आप एक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये तो आपकी सिलेक्शन की भी नहीं है। इसको भरने से, इसमें पास होने से आप ना ही टीचर बन जाते हैं। यहां पर कितने लाख युवा सीटेट पास घूम रहे हैं, यूपी टेट घूम रहे हैं पास, परंतु नौकरी नहीं मिल रही है। तो क्या आप इस पेपर को लीक करा रहे हैं? कि क्या है आपकी मन बुद्धि? आपको यह सोचना चाहिए, आप जिस भारत का निर्माण करने के लिए आप जा रहे हैं उनको क्या शिक्षा देंगे बच्चों को? यदि आप ही नकल विहीन रहेंगे तो आप जो है बच्चों को भी नकल विहीन की शिक्षा देंगे, और आप नकलची होकर वहां पर पहुंचेंगे उस पद पे तो आप भी नकलची हो जाएंगे, समझ गए? और बच्चे भी सोचेंगे हम भी नकल करके ही आ गए, बढ़ जाएं। तो आपका भविष्य ये नहीं है, आपको सुधरना है। और जो भी इसमें संलिप्त है, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये आपकी बहुत गलत आपने काम किया है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं। और अब मैं बात करता हूं आपके बिंदुओं को लेकर। ये है 21 जनवरी का पेपर, सीटेट का पेपर हुआ है लीक, और फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट पेपर लीक हुआ है। क्या पेपर रद्द होगा? शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब क्या चल रहा है? देखिए, ये सोशल मीडिया पे अभी जो है बोर्ड की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, यूट्यूबर और सोशल मीडिया पे ये पूरा वायरल हो रहा है। पेपर, पेपर की फोटो भी मिल रही हैं। तो दोस्तों, पेपर तो कहीं ना कहीं लीक हुआ है, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सभी का पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये नहीं है कि जिस सेंटरों पर अगर रद्द हुआ है या तो उन सेंटरों का पेपर को दोबारा करा जाए उन स्टूडेंट का। पूरे भारत का पेपर रद्द कराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि अगर हम पूरे भारत का पेपर रद्द कराएंगे, अगली डेट आएगी, कितना पीछे जाएगा, तो इससे जो है यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा, ये मेरा मत है, वैसे अभी देखिए बोर्ड क्या निर्णय लेता है, तो ये तो बोर्ड का ही काम है। बहरहाल जो है सभी का पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीटेट की परीक्षा पास कर लेने से आप टीचर नहीं बन जाते हैं। अब बात रही है कि देखते हैं अभी क्या निर्णय आता है। बहरहाल अभी जो है बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना ऐसी नहीं दी गई है कि आपका पेपर को रद्द कर दिया गया। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि अगली डेट भी दे दी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसी डेट आएगी, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक पेपर रद्द होने का कुछ अभी जो है वो नहीं है। बहरहाल जो है जिसने भी ये किया है उन सेंटरों का पेपर को रद्द कर दिया जाए और उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसा घिनौना हरकत की है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, और जैसे इससे अपडेट मिलेगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।